दोस्तों द कॉपी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इप्सन पीएम 520 के बारे में, जिसमें कि प्रिंटर में एरर शो कर रहा है, वार्निंग दिखा रहा है इंक कार्ट्रिज का। तो इस वीडियो में हम कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए इप्सन का पीएम 520 मॉडल है, और यहाँ में जो डिस्प्ले में वार्निंग दिखा रहा है आपका 372 इंक कार्ट्रिज, तो सेटिंग ने यहाँ में ओके करने के लिए बोल रहा है। हमने ओके कर दिया है, प्लीज वेट। ओपन फ्रंट कवर एंड रिप्लेस कार्ट्रिज, प्लीज स्टेप ऑन द प्रिंटर कवर, देन स्टार्ट, प्लीज रिप्लेस द प्लीज पिक अप ऑन द इंक कार्ट्रिज। ये बार बार ऐसे ही दिखा रहा है, जो कि इसमें इंक भी नया डाल दिया गया है फिर भी सेम इशू आ रहा है सेम। तो इस वीडियो में हम कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमने ओके किया, फिर से सेम प्रॉब्लम आ गया। और देखिए जो इसमें इंक लगा, जो इंक लगा इसमें E372, ये जो इंक है ये देखिए, अभी इसमें कस्टमर नया ही यूज़ किया है, अभी एक भी कॉपी प्रिंट भी नहीं आया है। अभी इसमें बॉक्स ओपन करके ही लगाया है और सेट नहीं हो रहा है, तो कस्टमर रिपेयर करने के लिए लेकर आया है। तो यहाँ में देखिए इप्सन का ये प्रिंटर कार्ट्रिज, ये देखिए मेरे पास एक इप्सन का ओरिजिनल कार्ट्रिज है। ये देखिए इप्सन का 372, इप्सन का लोगो भी जेन्युइन का लगा है, पीएम 520 का। ये देखिए आपका जो कस्टमर चेंज किया वाला ये कार्ट्रिज है। तो चलिए एक बार हम ओरिजिनल कार्ट्रिज को मशीन में इंस्टॉल करके हम आपको दिखाता है। ये देखिए यहाँ में ओरिजिनल कार्ट्रिज है, क्योंकि कार्ट्रिज के ऊपर भी यहाँ में इप्सन लिखा है। और यहाँ में देखिए इप्सन 372 इप्सन का स्टिकर भी है, जो कि इससे पहले वाले कार्ट्रिज में ऐसा कुछ स्टिकर वगैरह नहीं था, ऐसा सब बॉडी प्रिंटिंग इप्सन नहीं था। ये जो है इप्सन का ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और जो कस्टमर जो मशीन पे डाल के रखा था वो कार्ट्रिज आपका कंफर्टेबल है, जो कि मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है उस कार्ट्रिज को। ये देखिए होलोग्राम क्यूआर कोड इप्सन का स्टिकर, एक बार हम मशीन में लगाते हैं इसको, क्या रिजल्ट आता है, डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। इससे पहले वाला कार्ट्रिज जो लगाया था वो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया। यहाँ में हमने कार्ट्रिज को लगा दिया है, लगाने के बाद चलिए इसको ओके करते हैं, स्टार्ट स्टार्ट कर दिए। और यहाँ में दिखा रहा है प्लीज एक कप ऑन द इंक, अरे अपना यहाँ में स्लाइस हो रहा है। और यहाँ में हम कर देंगे एक बार ब्रश ओके। चार्जिंग इंक प्लीज वेट, तो जो इंक है वो चार्ज हो रहा है अभी, तो थोड़ा
थोड़ा देर के लिए हम लोग वेट कर लेंगे। जो कि इससे पहले प्रॉब्लम था, जैसे ही कार्ट्रिज लगाने से ही वार्निंग शो करता था, इंक कार्ट्रिज वार्निंग शो करता था, मगर जब ये ओरिजिनल कार्ट्रिज डाला करके तो ये ऐसा रिजल्ट आया इंक चार्ज का। तो थोड़ा देर हम लोग वेट कर लेंगे और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आएगा। चलिए हम पेपर मशीन में डाल दे रहे हैं। तब तक मशीन वार्मिंग अप हो रहा है और इंक भी चार्ज हो रहा है, तो तब तक हम पेपर को मशीन में लोड कर दे रहे हैं। चार्जिंग इंक प्लीज वेट इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।